बाद रेडी हो गए हैं और अब जा रहे हैं हम आद्योगीनाथ। तो हम सभी भाइयों ने ये ओम कलर का ब्लैक कुर्ता लिया है, तो इसको पहन के हम अपना फोटो सेशन और अपनी यात्रा पूरी करेंगे। तो अभी चलते हैं आद्योगीनाथ, देखते हैं ओला बुलाएंगे या फिर ऑटो। तो हम टोटल 5 बंदे हैं, ये बोला भी आ गया, बोले ने भी सेम पहन रखा है। जब हम अपने होटल से निकले थे तो हमने एक ऑटो करा था 700 रुपीज में अप डाउन। तो ये आपको ईसा योगा सेंटर पर छोड़ देंगे। तो मेरे सामने भी भोले जी की मूर्ति है, वो आपको मैं दिखाता हूँ, कितनी मस्त लग रही है देखने में। आप देखो पूरा पैसा वसूल है। इसी के लिए हमने पूरा साउथ गोवा का प्लान बनाया था। तो फाइनली हमारा साउथ गोवा का जो प्लान था वो सक्सेसफुल होने वाला है, ये देखो पहले। देव के देव महादेव, द लॉर्ड ऑफ शिवा। वेटिंग फीस आ रहे हैं कितना? हाउ मच? 1 hour का 50 रुपए बाइक, 100 रुपए और छोड़ो इसमें गाड़ी। नहीं नहीं, 7 PM तो आप 7 PM हम लोग आएगा इधर। 7 मतलब 1 घंटे का 50 रुपए कह रहे हो आप? क्यों? अरे ऐसा क्यों, हमें तो गाड़ी वाला छोड़ना ही है। वहां से बात करके आए थे आपसे हमने। हमने तय किया ना कि साथ सब भाई बोल रहा इसका आने के जाने का। इट्स नॉट गुड मामा। बोल शंकरा तेरी क्या ही बात है, दूर होके भी तू साथ है, ओ दूर होके भी तू साथ है। हमारा सौभाग्य देखिए आज का, कि आज हम तमिलनाडु आद्योगीनाथ विजिट करने आए थे, तो सुशील कुमार भैया जी भी हमारे साथ आए हैं। तो इनका भी आज जन्मदिन है, मेरा भी आज जन्मदिन है, तो दो बर्थडे बॉय साथ में मिल गए हैं और इस आद्योगीनाथ टेम्पल को पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं। भैया जी हमें एकदम गाइड की तरह ट्रीट कर रहे हैं। भैया जी एक बार पहले आ चुके हैं और हमें सारी इन्फॉर्मेशन बार बार दे रहे हैं मूर्ति के बारे में और इस पूरे फाउंडेशन के बारे में। तो आगे और भैया के एक्सपीरियंस लेंगे और आपको बताएंगे। भैया के एक्सपीरियंस वाकई में लाजवाब है एकदम। थैंक्स टू सुमित भाई, और इनसे मिलना हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है और इनके तीनों दोस्तों के साथ भी बहुत अच्छा लगा। तो पहले अभी हम जा रहे हैं मूर्ति के दर्शन करेंगे मंदिर के अंदर, फिर जाके आपको कुछ दिखाएंगे। मूर्ति के एक बार दर्शन करने से पहले आपको इधर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, अपना नाम लिखवाओ, फोन नंबर लिखवाओ और आप कितने लोग आ रहे हो उनकी डिटेल्स दो, बस बाकी हो गया रजिस्ट्रेशन, फिर आप अपना एंजॉय कर सकते हो आगे अच्छे से। तू ही रहेगा मेरी हर गलती को तू हंस कर सहेगा, तेरे जाप से मन का उड़ गया है रे पंछी सब तेरी बदौलत। Okay, thank you sir. Nice to meet you sir. Nice to meet you both, all of you. Thank you sir. You are also welcome. जैसे जैसे शाम होती जाएगी वैसे वैसे क्लाउड चारों तरफ फैल जाएगा। जब क्लाउड चारों तरफ फैल जाएगा तो उसे क्लाउड पासिंग कहेंगे। जब क्लाउड चारों तरफ फैल जाएगा तो मूर्ति पूरी पानी से भीग जाएगी। जब मूर्ति पानी से भीग जाएगी तो बिल्कुल एकदम काले और चमकदार दिखाई देगी, तो जिससे मूर्ति की सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अभी क्लाउड पासिंग होना शुरू हो रहा है, तो धीरे धीरे क्लाउड पासिंग होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक्सप्लोर करने का हमारा मेन मकसद यही था कि आद्योगीनाथ टेम्पल को विजिट करना है अच्छे से। तो आज आ गए हैं फाइनली, बाबा ने हमें दर्शन दे दिए हैं। तो अब इस टेम्पल को पूरा हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अच्छे से, एकदम मजा आ रहा है एकदम। बोलो शंकर भगवान की जय। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी
नो 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 कोई लॉकडाउन नहीं है वहाँ पे, वहाँ सब घूमने की जगह है, मंडे से ओपन करेंगे वैसे। यहाँ जरूर आना जरूर। क्या पुणे में कुबेर क्या तुम्हारा नाम क्या? सोनू सोनू तमिल में कुबेर हेनरी इल्ला इल्ला तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा आज के इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। तो आज आदि योगीनाथ के आपको दर्शन कराए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड को दिखाना जरूर। मजे आ रहे हैं? उतार ले मास्क, इतना अच्छा नहीं लग रहा था बाबू, इतना अच्छा नहीं लग रहा था बाबू। वाह, अरे बेइज्जती कर रहे हो हमारी। हाँ भाई प्याज खा रहा है तू तो खा ले, तू तो ना चोर। पूरा का पूरा खाना मीठा है यार इनका। ये डोसा देखो, ओनियन डोसा कहने को है मीठा, बटर पनीर मसाला मंगाया था ये भी मीठा है, इडली एकदम फीकी है, चावल में कोई टेस्ट ही नहीं है। पूरा दिन एक्सप्लोर करने के बाद और उस रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बैक टू होटल। कहाँ गए चोर? बैक टू होटल।